काली पूजा हमेशा मिडनाइट को होता है, तो दिन के टाइम में नहीं होता है। तो मेरे को आके देख बहुत अच्छा लग रहा है, तो अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त है, बाहर जो सब स्टॉल लगे हुए हैं सब पूरा अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा। काजल मैंने आपको बताया शानदार केवल में आए हनु जी, हम लोगों का मतलब मैं उनको दादा का जैसा मानती हूँ, और मेरा हम लोगों का जो पूजा में दादा ने आया है, दादा को किस तरीके से धन्यवाद दूंगी मैं, मतलब इसका कोई बयान ही नहीं कर सकती। मतलब मेरा नज़र में मतलब ऐसा लग रहा है दादा मैं ड्रीम में हूँ। हर साल करिए, बड़े अच्छी तरीके से करिए, एंड महातीर्थ जो कालीवाड़ी बनने का इनका सपना है वो मेरे ख्याल में हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा 100%। आज दादा का आप भी अभी दुर्गा पूजा मतलब लॉन्च हुआ है, उसमें मैं भी थी, और हम लोग चाहते हैं दुर्गा पूजा में जितना यहाँ पे जितना लोग आए उन लोग भी दादा के साथ जुड़े, इससे भी बड़ा दुर्गा पूजा। हाँ बिल्कुल, बड़ा दुर्गा पूजा इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम जब करेंगे बड़ा दुर्गा पूजा और होगा, बट हम चाहते हैं कि महातीर्थ कालीवाड़ी भी बन जाए। बिल्कुल, और इनका जो वुमेन इनिशिएटिव जो है एंटरप्रेन्योर पे हेल्प करने का वो बताइए। वुमेन यहाँ पे अभी जो महिलाएं हैं ये लोग जो मिल के ये काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा कि बगैर वुमेन या बगैर महिला कोई पूजा पाठ ये सब करना इज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि पुरुष लोगों के लिए ये काम है नहीं एक्चुअली। फिर भी पुजारी तो पुरुष ही होता है आखिर में, लेकिन अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट मेरे ख्याल में अगर फीमेल लोग करे तो वो बहुत निष्ठा से होता है एंड बहुत तरीके से होता है, क्योंकि दे नो हाउ टू सजाओ, कैसे फल रखना है, कहाँ फूल रखना है, कहाँ घी रखना है, कहाँ, तो ये सब चीज़ें फीमेल का काम है, एंड पूजा मेनली जो है पुजारी वो मेल का काम है। थैंक्स।